एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, और दूसरा बात, पहले कोट और दूसरे कोट के बीच में कम से कम 4 to 6 आवर्स का गैप होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपका पेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसा ही वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट के बारे में जिसको हम इंटीरियर या एक्सटीरियर दोनों टाइप के सरफेस में यूज कर सकते हैं। डॉक्टर फिक्सिट श्योर सील एक ऐसा प्रोडक्ट जो दिलाएगा आपकी दीवारों को फंगस, डैम्पनेस, क्रैक्स और पापड़ियों से छुटकारा। इसको लगाना भी बेहद आसान है। ये एक रेडी टू यूज मटेरियल है। इसको आपको खोलना है और इसमें कलर का स्टेनर भी डाल के इसमें कलर भी लगा के पेंट कर सकते हैं। अभी आप इसको पहले आपके दीवारों में जहाँ पे भी पापड़ी आया है या डैम्पनेस आया है या क्रैक्स आए हैं, पहले वो पापड़ियों को आपको तार ब्रश से साफ करना है। साफ करने के बाद उसमें डॉक्टर फिक्सिट का श्योर सील ब्रश से आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर फिक्स पहला कोट आप एक डायरेक्शन में लगाने के बाद दूसरा कोट आप 6 घंटे के बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाना है। पहले आप आड़ा डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फिर उसके बाद सीधा डायरेक्शन में लगाना है, अगर वैसा ही वाइस वर्सा रहेगा आपको। अब इसके बाद इसके ऊपर आप पुट्टी लगा सकते हैं, प्राइमर लगा के पेंट कर सकते हैं। अगर आपको वैसा नहीं करना है तो आप इसको ही पेंट की तरह फिर से दोबारा पेंट पुट्टी लगा के फिर इसी को श्योर सील को ही पेंट बना के लगा सकते हैं इसमें कलर मिक्स करके। और दोस्तों, अगर आपका बिल्डिंग नया है तो आप नए बिल्डिंग में जब नया प्लास्टर हुआ है तो आप श्योर सील को एक अंडर कोट की तरह, प्रिवेंटिव कोट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्लास्टर होने के बाद पहले आप 2 कोट श्योर सील लगाएं और उसके बाद पुट्टी प्राइमर पेंट लगाएं। और तीसरा बात, हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोटिंग लगा रहे हैं पहला कोट आड़ा दिशा में और दूसरा कोट सीधा दिशा में, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए, जिसके कारण उसका वो करने का मतलब ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी, क्रैक्स ब्रिजिंग कैपेसिटी अच्छे से देगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये श्योर सील आपको 1 kg का, ये जो डब्बा है 1 kg का डब्बा है, ये आपको 25 square feet तक 2 कोट में दिलाएगा। इससे ज़्यादा हमें इसको खींचना नहीं है, हमेशा मतलब जितना कवरेज है उसके हिसाब से ही लगाना है। और दूसरी बात यह है, जब भी हम श्योर सील का एप्लीकेशन जब हम लोग इसको दीवार में लगा रहे हैं, कम से कम 2 फीट ऊपर नीचे दायां बायां हर जगह में चारों दिशाओं में 2-2 फीट एक्स्ट्रा लगाना चाहिए, ताकि आपको जहां से भी सीपेज आ रहा है या जहां से भी क्रैक्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है वो आपको आगे से ही बंद हो जाए। तो इसीलिए कम से कम 2 फीट का एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेके ही इसको लगाना है। और कवरेज, जैसे कि मैंने इसका कवरेज बताया 25 square feet फॉर 2 कोट्स, आपको आपका आपका एरिया, वॉल एरिया कितना है उसके हिसाब से आपको मटेरियल लेना है। और ये मटेरियल आप एक बार खोलने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर ये डब्बा खाली हो जाना चाहिए, वरना ये मटेरियल फिर ख़राब हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि आपका एरिया जितना है, एरिया के हिसाब से आपको डब्बा लेना है, इसीलिए क्योंकि अगर आप बड़ा डब्बा लेके आएंगे और आपका एरिया छोटा है, बाद में भी काम लगेगा बोल के अगर आप रख रहे हैं तो वो काम नहीं आता है दोस्तों। इसीलिए हमेशा आपका एरिया कितना है वो पहले डिफाइन करिए, उसके बाद आप उसके हिसाब से मटेरियल कितना डब्बा कितना लीटर का चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। इस प्रोडक्ट में है एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके कारण ये आपके दीवारों में जो बचा हुआ मॉइस्चर है उसको बाहर निकालने में आपको मदद करता है, जिसको कहते हैं ब्रीदेबल। सो आपका कभी ब्रीदेबल का मतलब ये है कि आपका जो वेपर है वो वेपर आराम से निकल जाएगा और आपके दीवारों में पापड़ी नहीं आएगी। और मॉइस्चर क्योर टेक्नोलॉजी से ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें आपको मॉइस्चर जो भी दीवार में है, मॉइस्चर के रहते हुए भी हम लोग ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अगर आपका मॉइस्चर मिनिमम लेवल में है तो वो रहते हुए भी ये प्रोडक्ट हम लोग लगा सकते हैं। और ये प्रोडक्ट अगर आप नए घर में लगाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपका नया घर है और प्लास्टरिंग नया है, उसमें अगर आप 2 कोट ये लगा के उसके ऊपर पेंटिंग करने वाले हैं तो कम से कम 4 से 5 साल आपको सीपेज या मतलब फंगस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्रैक्स, सीपेज, फंगस, इन 3 चीज़ों का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कम से कम 5 साल के लिए। तो अगर आप नया घर बना रहे हैं दोस्तों, हमेशा याद रखिए प्लास्टरिंग के बाद 2 कोट श्योर सील फिर पेंटिंग करना भूलिएगा मत। अगला वीडियो भी हम लोग वाटरप्रूफिंग रिलेटेड बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे मास्टर ऑफ ऑल रिपेयर्स, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम लोग किसी भी टाइप का रिपेयर में यूज कर सकते हैं, PTFIN 2K। सो ऐसे ही अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो घर में, कोई भी सीपेज, डैम्पनेस या क्रैक्स के प्रॉब्लम है, आप हमें
कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।